वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने भी अपना एग्जामिनेशन दिया था 2023 जेके बोपी के अंडर, उनका यहाँ पर जो है वो वेट खत्म हुआ। फाइनली आपकी जो है वो काउंसलिंग डेट्स आ चुकी हैं। सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कितने नंबर ऑफ आपकी सीट्स रहने वाली हैं, गवर्नमेंट हैं प्राइवेट हैं, काउंसलिंग के लिए कहाँ पर जाना है, कब जाना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं आपको अपने साथ में, ठीक है, कितने रैंक तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, और कौन से कैंडिडेट्स को नहीं जाना है और कौन से कैंडिडेट्स को जाना है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 12th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग भी जल्दी ही शुरू होगी, और जो है आपका फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ जो कि आपका 10th बेस पैरामेडिकल है उसकी काउंसलिंग भी जल्दी ही शुरू होगी, वेट कीजिएगा थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिस है, ठीक है, आज शाम का ही नोटिस है, मतलब कि लगभग आपका 8:30-9 बजे के करीब में ये नोटिस आया था। तो डिटेल में आपके सामने हम जो है वो रैंक वाली पीडीएफ भी आपको दे देंगे और सारी बातें जो है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ामिनेशन दिया था और जिनके भी मार्क्स जो हैं वो 30 से ऊपर हैं, ठीक है, जिन्होंने भी सिक्योर किए हैं मार्क्स 30 से ऊपर, ठीक है, और जिनका रैंक फॉल करता है रैंक 1 से रैंक 590, ठीक है, आपको मैं रैंक वाली पीडीएफ भी दिखाऊंगा। 590 तक के जितने कैंडिडेट्स हैं रैंक 1 से लेकर, उन कैंडिडेट्स के यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 30 से अबव हैं, ठीक है। 591 से जो रैंक हैं उन कैंडिडेट्स के मार्क्स 29 समथिंग करके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं रैंक 501 से 90 तक, 590 तक, ठीक है, जिनके मार्क्स 30 से अबव हैं, उन कैंडिडेट्स को जो है वो काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है वो मैं बताता हूँ। काउंसलिंग के लिए आपकी जो डेट है वेडनेसडे 6th of September 2023, ठीक है, रैंक 1 से रैंक 590 तक के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो काउंसलिंग के लिए जाना है, ठीक है। कहाँ पर जाना है, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं, सारी बातें जो है वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए एलिजिबल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कहाँ पर पहुँचना है, जो कैंडिडेट्स श्रीनगर डिवीज़न से हैं, कश्मीर डिवीज़न से हैं, उनको जेके पोपी ऑफिस श्रीनगर में, आप अगर गूगल पर डालेंगे जेके पोपी ऑफिस श्रीनगर और आपको लोकेशन मिल जाएगी, और जम्मू वाले जितने कैंडिडेट्स हैं जेके पोपी ऑफिस जम्मू करके आप लोकेशन डालेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है कितने बजे, आपको वहाँ पर 8:30 AM सुबह रिपोर्ट करना है। क्या होगा आपके रजिस्ट्रेशन कम अटेंडेंस पर्पज़ के लिए, आपकी जो है वो मॉर्निंग में अटेंडेंस होगी वहाँ पर, जितने भी कैंडिडेट्स जाएंगे कश्मीर डिवीज़न एज़ वेल एज़ जम्मू डिवीज़न दोनों ऑफिसेज़ में जो है वो एक साथ में काउंसलिंग चलेगी, एक ही दिन चलेगी, ठीक है। इसमें आपको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्या ब्रिंग करने हैं साथ में, आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, DOB सर्टिफिकेट लेकर जाना है जिसमें कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होगी और 10th का डिप्लोमा होगा, ठीक है। 12th क्लास की आपको मार्कशीट लेकर जानी है, GNM के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर देन उसके बाद में आपका जो है वो थर्ड ईयर, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने ओल्ड कोर्स किया है फोर्थ ईयर की मार्कशीट भी वो आप आज सेमेस्टर के अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो आप वहाँ पर काउंसलिंग फ़ी आपको जो है 1000 रुपीज़ पे करनी होगी, ठीक है। जितनी भी सीट्स होंगी आपकी वो सीट्स यहाँ पर जो है वो आपको एक दिन पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, 5 को जो है वो शाम को जो है वो आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसमें कितनी सीट्स रहती हैं, क्या कुछ कॉलेज ऐड ऑन हुए हैं या नहीं हुए वो हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। बट टेंटेटिवली जो है वो जब ई वोचर आया था, इन्फॉर्मेशन वोचर 2023 का, उसमें जो है वो जितनी सीट्स अवेलेबल थी वो मैं अभी आपके सामने आगे कॉलेजेस आपको दिखाता हूँ कितने नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वो वहाँ पर पहुँचना है, आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, आपको डेट मैंने बता दी, ये फुल नोटिस रहा, ये वाला जो है वो नोटिफिकेशन भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। इसके बाद में अब मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पर, इन्फॉर्मेशन वाउचर में, ठीक है। आपको पहले रैंक वाली लिस्ट दिखा देते हैं, रैंक वाली लिस्ट की PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, देन कितने नंबर ऑफ़ कॉलेज और वैकेंसी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो PDF है इसमें आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, आपकी प्रोविजनल जो है वो मेरिट लिस्ट आउट हुई थी, ठीक है। मेरिट लिस्ट कब हुई थी आपकी आउट, 26th of August को, ठीक है। इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर गिवन थे, ठीक है, और उनके नेम गिवन थे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा, रोल नंबर दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा, जेंडर कैटेगरी, ठीक है, आपको दिख जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, और आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 120 यहाँ पर है, और आपका रैंक क्या है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इस तरफ में आपको रैंक दिखेंगे, ठीक है, रैंक 1 से 590 तक बोला गया है, जिनके मार्क्स अबव 30 हैं उनको काउंसलिंग के लिए जाना है। तो इस PDF को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ आपका सीधा मैं रैंक 590 पर ले जाता हूँ,
ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर पहुँच गए हम 590 पर। ठीक है, 590 पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 590 से ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स के मार्क्स 30 से अबव हैं। ठीक है, 30 30 30 सबके मार्क्स हैं इसके ऊपर, वो कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट 591 से बिलो जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स 29.75 30 से बिलो हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स जो हैं वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इसकी PDF भी मैं आपको जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं जो इन्फॉर्मेशन बोचर में आपका सीट मैट्रिक्स आया था, जो कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको जो है वो अपने कॉलेजेस पता चल जाएँ। कॉलेजेस पता होना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप काउंसलिंग के टाइम में वहाँ पर आपको अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी। कॉलेज की प्रेफरेंसेस जब आप देंगे तो उस टाइम पर जो है आपको वहाँ पर आपके नियर बाई जो कॉलेज है कैंडिडेट वही प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए वहीं पर चलते हैं सीधा, इन्फॉर्मेशन बोचर ऑफ 2023। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है ये कोई फेक है या कुछ ऐसे ही है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जेके बोपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ई बोचर करके जो है वो आपको एक जगह पर ऑप्शन दिखेगा, ई बोचर क्लिक कीजिएगा, पोस्ट PSC जो है वो नर्सिंग क्लिक कीजिएगा, देन 2023 ईयर अपना सेलेक्ट कीजिए, क्लिक करिएगा, आपके सामने जो है वो व्यू हो जाएगा, आपके सामने इन्फॉर्मेशन बोचर डाउनलोड करके आप अगर उस PDF के पेज नंबर 38 पर आते हैं तो आपके सामने जो है वो इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपका ब्रीफ डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर, एकेडमिक ईयर 2023, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ UT जम्मू एंड कश्मीर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इनटेक कैपेसिटी कितनी है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कॉलेजेस के पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो नंबर वन पर जो है वो आपका कॉलेज है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, इसमें आपके पास 80 नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं। देन इसके बाद में BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, इसमें भी आपके पास 80 सीट्स देखने को मिलेंगी आपको। स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरा साहब जम्मू, इसमें भी आपको 80 सीट्स देखने को मिलेंगी। दत्ता रनपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठुआ, इसमें भी आपको 90 सीट्स देखने को मिलेंगी। ये जो आपके पहले चार कॉलेजेस हैं ये आपको जम्मू डिवीज़न में देखने को मिलेंगे। कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि कश्मीर डिवीज़न वाले जम्मू डिवीज़न में फिलअप कर सकते हैं या फिर जम्मू वाले कश्मीर में फिलअप कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस आपको जो है वो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज आपको सीट्स अलॉट हो जाएंगी, डिवीज़न का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद में फिफ्थ नंबर पर आता है आपका BB हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, इसमें आपके पास 40 नंबर ऑफ़ सीट्स देखने को मिलेंगी। देन IBN सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज ओमपुरा बड़गाम, ये आपको 50 सीट्स देखने को मिलेंगी। देन आपका है रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गलांदर पानपुर पुलवामा, इसमें आपको 30 जो है वो सीट्स देखने को मिलेंगी। टोटल यहाँ पर जो सीट्स हैं 450 हैं। ये रही आपकी टेंटेटिव सीट्स जो इन्फॉर्मेशन बोचर के टाइम पर आई थी। ठीक है, और 6 को आपकी जो है वो काउंसलिंग है और 5 को शाम को एक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, वो हम आपके सामने जो है वो 5 शाम को ही डिस्कस कर देंगे। स्टे कनेक्टेड स्टे टून। ठीक है, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रह जाती है, कुछ पूछना हो हमसे पर्सनली, तो आप जो है वो हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमें। ठीक है, जितने भी आपके इश्यूज़ थे वो सभी हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकता है। थैंक यू सो मच।